हेलो गाइस, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेपर्स एडुकेशन पे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स। आप सब लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज खरीदे होंगे। अगर नहीं खरीदे तो जरूर से जाइए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे हमने सारा का सारा कॉन्टेंट 12th गुजरात बोर्ड का सारे सब्जेक्ट्स यानी कि अकाउंट, स्टेटिस्टिक्स, OCM एंड इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने आपके लिए वहां पे रेडी करके रखे हैं। ये सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे। जैसे कि इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 50% सिलेबस ऑनलाइन पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे। ये सारा डेटा लेटेस्ट है, अभी के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे हमेशा आते रहेंगे। हम जितने हो सकेंगे फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट जो हमारे प्रीमियम और पेड रिसोर्सेज है वो बहुत ही नॉमिनल रेट में आपके लिए हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट के साथ साथ आप चाहे तो शेपर्स एडुकेशन का मोबाइल लर्निंग ऐप है, जिसको शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है, वो शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है या विंडोज यूजर है तो ये एप्लीकेशन भी आपके लिए अवेलेबल है। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। बट उससे पहले हम समझते हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर किताब में आपके लिए क्या क्या है। हम आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेटिस्टिक्स, राइट गाइस? सब स्टेटिस्टिक्स की किताब में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की दो वॉल्यूम है। हमारा पहला टारगेट है इस महीने के अंदर अंदर हमें चार चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के खत्म करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है इंडेक्स नंबर, दूसरा आता है लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन। ये दोनों चैप्टर्स लगभग लगभग सेम जैसे हैं। और लास्ट चैप्टर आता है टाइम सीरीज। बच्चा लोग, मैं हर किसी से कहता हूँ स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लाना बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। बच्चे क्या करते हैं स्टेटिस्टिक्स को हल्के में लेते हैं और 85-90 ला के खुश हो जाते हैं। यार, मैं 85-90 दिला के खुश होने वालों में से नहीं हूँ। मेरा टारगेट है पूरे 100, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत फुद्दू है। अभी हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल के लिए लेक्चर्स हो रहे हैं, जहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा के सारे सम्स बताऊंगा। उसके बाद में हमारे बहुत सारे प्रीमियम वीडियोज आते हैं, जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में लास्ट टाइम एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चंस हम डालते हैं, स्टेटिस्टिक्स की पूरी थियरी हम डालते हैं, बहुत सारी थियरी के नोट्स हम सारे प्रीमियम और पेड यूजर्स को फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके नोट्स खरीदे होंगे या हमारे कोर्सेस खरीद रखे हैं, उनको हम सारे एडिशनल अपडेटेड नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए, पढ़ने में खूब मजा आने वाली है। और उन लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया और इतने सारे कोर्सेज हमारे लिए खरीद के रखे हैं। आप लोग का प्यार हम तक पहुंचता रहता है। बहुत बच्चों ने हमारे नोट्स भी हमारे पास ऑर्डर किए हैं। गाइस, थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए मैं ऑर्डर लेने से पहले भी हर किसी स्टूडेंट को कहा जाता है 5 to 7 days का वेटिंग पीरियड है। अगर आप 7 दिन रुक सकते हैं तो आप हमें ऑर्डर कीजिए। अगर आपको लगता है यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट, सो प्लीज डोंट ऑर्डर। 5 to 7 days लगते हैं, क्योंकि नोट्स प्रिंटिंग में होते हैं, प्रिंट में आते हैं, हम आप तक कूरियर करते हैं, इट टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। फिर भी अगर आपसे रिक्वेस्ट है, कभी किसी को कोई देर हो जाए, कभी लेट मिले, तो भाई सो सॉरी, हम कोशिश करें हमारी सर्विस को और क्विक करने के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। और मैं चाहूंगा इस चैप्टर पे आप लोग सब अपना पूरा का पूरा ध्यान दे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये। फिलहाल हमें अपनी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, हम बिना टेक्स्ट बुक के भी इस टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये चैप्टर किस चीज से डील करता है? सो इंडेक्स नंबर इज अ पर्टिकुलर चैप्टर विच डील्स विद इन्फ्लेशन। ये डील करता है इन्फ्लेशन से, कि इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी में कितनी महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी में कितनी चीजें एक्सपेंसिव हो रही है, उससे डील करने वाले इस चैप्टर को कहा जाता है इंडेक्स नंबर। क्या कहेंगे बच्चा लोग इसे? इंडेक्स नंबर। अब ये चैप्टर करता क्या, ये एक कंपैरिजन क्रिएट करता है कि पहले के कंपैरिजन में करंट ईयर में रेट्स में कितना इंक्रीमेंट आया है। तो उसके लिए एक नया मेथड निकाला गया है जिसे कहा जाता है इंडेक्स नंबर। आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या जरूरी है, क्यों किसी को महंगाई मेजर करनी है? तो भैया ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेजर करके पता चलता है कि सरकार कितना इस साल टैक्सेस लगाएगी, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कितना लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, कितनी महंगाई इकोनॉमी में अच्छी है, कितनी महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे डेटा सरकार को पता चलता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। अब बात करते हैं चैप्टर हमें क्या करना है। भैया हमें इसमें खुले 5 मार्क मिलते हैं।
एकदम इजी सा चैप्टर, एकदम सिंपल से फॉर्मूले, कोई दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज होती है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म करेंगे, पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, आप खाली ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, जब हमने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया है, इंडेक्स नंबर निकालने के दो पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। सो बच्चा लोग, पहले मेथड को कहा जाता है फिक्स्ड बेस मेथड या फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, और दूसरे मेथड को कहा जाता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। पहला हो गया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और दूसरा हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब बच्चा नाम भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मतलब यहाँ पे बेस फिक्स रहता है, मतलब यहाँ पे बेस हम एक कांस्टेंट रखते हैं, हम बार बार बेस को चेंज करते नहीं हैं, उसे कहा जाता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला रहेगा प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। ये हमेशा बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है और ये बेस ईयर हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इनटू 100 करेंगे तो हमें जो भी रेशियोज मिलता है हमें 100 के टर्म्स में मिलेगा, राइट। सो ये बेस ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये बेस ईयर होता क्या है, व्हाट इज दिस बेस ईयर। तो ध्यान से सुनना, बेस ईयर मतलब वो साल है जिसको बेस लेके हम करंट ईयर को कंपेयर करते हैं। सो बेस ईयर बेसिकली एक बेस होता है जिसके बेस पे आज के इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जाता है। बेस ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी हम 2024 में हैं, तो 2024 का बेस ईयर सपोज मैंने 2020 ले लिया, तो अब सारी 2020 की प्राइसेस और 2024 की प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है, तो 2020 हो जाता है हमारा बेस ईयर। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें ध्यान रखनी है जब कभी भी हम बेस ईयर सिलेक्ट करें तब। फिलहाल तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी हमारी सिलेक्ट करने की बारी आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर मतलब उसमें कोई भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस वगैरह होने नहीं चाहिए, कोई भी अनहोनी नहीं घटी होनी चाहिए, यानी कि वो साल में ना कोरोना होना चाहिए, ना बाढ़ आनी चाहिए, ना भूकंप आनी चाहिए। इट मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर। और बेस ईयर की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिएगा कि बेस ईयर ज्यादा दूर का ना हो, टू फार वाला बेस ईयर ना हो। ज्यादा दूर का बेस ईयर अगर हमने ले लिया तो शायद कंपैरिजन अच्छे से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 का इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा बेस ईयर 2020 का लो यार, आप 2000 या 2005 से कंपेयर मत करना, बहुत दूर हो जाता है तब तक, इतना दूर का बेस ईयर कभी भी लेने का नहीं। सो मेक श्योर बेस ईयर सिलेक्ट करते टाइम ये चीजें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको बेस ईयर हर बार क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वन जिसे कहा जाता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। सेकेंड है हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। हम यहां पे पिछले साल से कंपेयर करते हैं इनटू 100। चेन बेस में हमेशा पिछले साल का प्राइस लिया जाता है, जैसे कि 2024 में 2023 का प्राइस लेंगे, 2023 में 2022 का प्राइस लेंगे, 2022 में 2021 का प्राइस लेंगे, उसे कहा जाता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, यहां लिया जाता है बेस ईयर और यहां लिया जाता है प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीसीडिंग ईयर यानी कि पहले साल, इससे पहले वाले साल को यहाँ हमारा बेस मानते हैं और इस सम को हम रेगुलरिटी पे करते हैं। सो बच्चा ये हो गया हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, जहाँ पे हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं, दो मेथड सीखे हैं। पहला है फिक्स बेस, दूसरा है चेन बेस। फिक्स बेस का फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, चेन बेस का फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर। बस इतना ही है, मैंने कहा था थ्योरी के लेक्चर्स अलग से करेंगे, फिलहाल ओनली सम्स पे ध्यान देते हैं, फटाफट सम्स करके चैप्टर्स को फिनिश करेंगे, फिर थ्योरी को आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी के नोट्स भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा फॉर श्योर, राइट। तो चलिए ये हो गया मेरा स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक। इस टॉपिक से आप लोग आराम से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी फिनिश कर सकते हैं। बट आपकी सुख सुविधा के लिए मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको यहां करवाना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा आप लोग सबके सब बच्चे मेरे पहुंच जाए पेज नंबर